आज हमने बनाया है चिकन तो प्याजा। ये बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप सब इस रेसिपी को एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई करिएगा। तो इस रेसिपी को देखने के लिए आइए चलते हैं किचन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सुमन फूड स्टाइल में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई रेसिपी चिकन दो प्याजा लेकर आई हूँ। आप लोग एक बार हमारे बताए हुए तरीके से जरूर बनाकर ट्राई करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देरी ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 1 केजी मुर्गा को अच्छे से धोकर फ्रेश करके रख लिया है। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। हमने एक मीडियम साइज का भगोना लिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे, लगभग हम 100 ग्राम तेल डालेंगे और इसे हम गर्म कर लेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम डालेंगे खड़ा मसाला। तेजपत्ता है, काली मिर्च है, जीरा है, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसे हम तड़का डालेंगे। तड़के को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तड़का फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 250 ग्राम प्याज को हमने छोटे छोटे पीस करके रख लिए हैं, अब इसे हम डालेंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। हम हरी मिर्च को डालेंगे, इसको हम बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया, इसे हम डालेंगे। प्याज के साथ इसे भी हम 4-5 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को जल्दी फ्राई करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और प्याज में हम नमक को अच्छे से मिलाकर इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। हम एक बार प्लेट को हटाएंगे और प्याज को एक बार हम अच्छे से चलाएंगे। तो देखिए हल्का फ्राई हो चुका है प्याज। अब इसमें हम अदरक लहसुन को हमने दरदरा कूट लिया है, लगभग 100 ग्राम है, इसे हम डालेंगे। अब हम प्याज के साथ लहसुन को भी 3 से 4 मिनट तक हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम चिकन को डालेंगे। अब हम इसे भी प्याज के साथ 4 से 5 मिनट तक हम देसी मुर्गा को हम फ्राई करेंगे। हम ढककर थोड़ी देर के लिए फिर हम ढककर रख देंगे। जब तक मुर्गा फ्राई हो रहा है तब तक आइए हम चलते हैं मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, आधे चम्मच से थोड़ा कम हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच है मीट मसाला है, इसे हम डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से फूल जाए, इसलिए हम पानी डालेंगे और इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। हम प्लेट को हटाएंगे और एक बार चिकन को अच्छे से हम चलाएंगे। तो देखिए चिकन भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। हमने जो मसाला रखा था फूलने के लिए अब उसको हम डालेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम मसाले को अच्छे से मिलाएंगे। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और हम 5 से 6 मिनट तक हम मसाले को ढककर भूनेंगे। अब हम इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। हम प्लेट को हटाकर मसाले को एक बार फिर उलट पलट कर अच्छे से चलाएंगे ताकि मसाला जो है भगोने की तली में चिपके ना और अच्छे से भुन जाए। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा मसाला जो भुन रहा है। अब इसे ढककर अभी हम 2-3 मिनट और भूनेंगे। अब हम एक बार फिर चलाएंगे तो देखिए मसाला जो है भुन चुका है, तेल मसाले से अलग होने लगा है, तेल ऊपर उठ आने लगा है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसमें लगभग हम 1.5 कप पानी डालेंगे और इसे हम एक बार फिर से चलाएंगे। आपको ग्रेवी मोटा या पतला रखना है तो आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। तो देखिए हमने इसमें डाल दिया है, ये देसी मुर्गा है, ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हमने इसमें पानी डाल दिया है। 1.5 से 2 कप पानी हमने डाल दिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब हम नमक को एक बार अच्छे से मिलाएंगे, इसे अच्छे से चलाएंगे। अब इसे
पकने के लिए हम ढककर, एक बार हम इसे हाई फ्लेम पर पकने के लिए ढककर रख देंगे। जब ये पकने लगेगा इसे हम मीडियम फ्लेम पर तब पकाएंगे। चिकन पकना शुरू हो चुका है, इसे एक बार हम अच्छे से चलाएंगे और फिर पकने के लिए हम ढककर रख देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और 10 मिनट तक पकने के लिए ढककर रख देते हैं। अब हम प्लेट को हटाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए चिकन दो प्याज़ा बनकर तैयार है। तो देखिए कितना अच्छा से हमने इसका कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी चिकन दो प्याज़ा बना है। आप सब एक बार अपने घर पे इसी तरह से बनाकर जरूर खाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका टेस्ट कैसा रहा। तो देखिए फ्रेंड्स चिकन दो प्याज़ा बनकर तैयार है, आप इसे रोटी चावल के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारा बनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।